नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उद्यमी योजना 2022 जो स्कीम आएगा, यानी 2022 के लिए जब उद्यमी योजना का ऑनलाइन अप्लाई लिया जाएगा तो उसमें जो भी अप्लाई करने वाले हैं कैंडिडेट 2022 में, उनको जो अभी तक यानी 2021 में जो लोग भी आवेदन नहीं किए थे, उनको 2022 में एक चीज़ को लेकर समस्या हो रही है कि उनका जो है करेंट अकाउंट अभी खुलवाए कि नहीं खुलवाए। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरे बताएंगे कि आपको अभी अकाउंट खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। क्योंकि देखिए 2021 में जो है बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया और लगभग 62,000 अप्लीकेशन जो है आए थे, ठीक है, तो उसमें से मात्र 16,000 कैंडिडेट का ही उसमें सिलेक्शन हुआ, वो भी लॉटरी के माध्यम से। और अगर वो लॉटरी वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं कि कैसे सिलेक्शन हुआ, तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, या आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए जो जितने भी कैंडिडेट आए थे उसमें से मात्र 16,000 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ लॉटरी के माध्यम से। और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जब सिलेक्शन हुआ तो उसमें जो 42,000 कैंडिडेट थे वे वेटिंग लिस्ट में चले गए, ठीक है, 42,000 जो चले गए वेटिंग लिस्ट में, तो उन लोगों ने भी उतना ही प्रक्रिया किया था जितने ये 16,000 लोग जो सिलेक्ट हुए थे उतना लोगों का हुआ था। बाकी अब लॉटरी सिस्टम में था तो लॉटरी सिस्टम जो था वो कंप्यूटर से द्वारा किया गया था, तो देखिए कंप्यूटराइज जब किया गया था तो उसमें किसी को मतलब जितने भी लोग फाइनल हुए थे उनका रेंडमाइज प्रोसेस के थ्रू जो है उनका 16,000 का सिलेक्शन हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जो है करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ा, GST बनवाना पड़ा, यानी सभी लोगों के पास तो जो जनरली डॉक्यूमेंट मांगा गया था वो था, लेकिन क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास करेंट अकाउंट और GST नहीं था। जो लोग इस योजना में अप्लाई करना चाहते थे तो उन लोगों ने उस वक्त GST बनवाया और करेंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हुई और बाद में उनका नाम भी नहीं आया तो उन लोगों को बहुत और भी परेशानी हुआ, इतना खर्च करने के बाद भी नाम नहीं आया। तो 2022 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको करेंट अकाउंट और GST अभी नहीं बनवाना है, क्योंकि 2022 में हो सकता है कि आपसे ये करेंट अकाउंट और GST ना मांगा जाए। ताकि देखिए हो सकता है कि जो लोग सिलेक्शन हुए उन्हीं का करेंट अकाउंट खोलने के लिए बोला जाए, क्योंकि देखिए इसके पहले बहुत सारे लोगों ने खुलवाया और उनका नहीं हुआ तो उनको ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि 2022 में जब ऑनलाइन आवेदन लिया जाए तो पहले करेंट अकाउंट ना मांगा जाए, जो जनरली फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो जनरली मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वो ले लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन होता है रेंडमाइज प्रोसेस से ही होगा 2022 में भी, तो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन्हीं लोगों को बोला जाएगा कि हाँ आप करेंट अकाउंट खुलवाइए। तो अगर आप 2022 में जो है आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसको लेकर अभी से सावधानी रखना होगा, आप और आपको जो है करेंट अकाउंट अभी नहीं खुलवाना है जब तक जो है एडवाइजमेंट यानी वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग है वहाँ से, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो 2022 में लगेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की नहीं बनवाने की ज़रूरत है। क्योंकि 2022 में हो सकता है कि करेंट अकाउंट ना लगे और आप करेंट अकाउंट पहले से खुलवा लें, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 2022 में नहीं होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग अभी 2022 में जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं वो अभी अपना करेंट अकाउंट पहले से ना खुलवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपका मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन का रसीद, जो आप जो उद्योग लगाना चाहते हैं उस जमीन का रसीद लगता है। उसके बाद आपका इसमें ये चेक बुक लगता है जो करेंट अकाउंट का लगता है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा, हो सकता है अगर उस वक्त ना लगे तो, ठीक है। तो आप जनरली ये सब जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करके रखिए, अगर आपका किसी में नाम डिफरेंट है तो उसको सुधार करवा सकते हैं, ये काम आप करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आधार पैन में जो है नाम गड़बड़ है तो आप सुधरवा कर रखवा लें, लेकिन करेंट अकाउंट अभी आप ना खुलवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। जब आपका एडवाइजमेंट निकलेगा उस वक्त आप करेंट खुलवाएं, क्योंकि लाइव प्रोसेस जो हुआ था यानी सिलेक्शन के दिन और जो टीम बैठी थी उसमें बताया गया था कि 2022 में हो सकता है कि
करेंट अकाउंट का जो प्रावधान है पहले से दिया जा रहा है उसको ना लिया जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि 2022 में जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं उनको अभी से करेंट अकाउंट ना खुलवाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स बताइए, अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।